नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी आपका स्वागत करता हूं स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। सोमवार से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। रविवार को खानापुर मार्केट में भीड़। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर महामार्ग पर निर्बंध जारी। पुलिस आयुक्त की अपील। SSLC परीक्षा 21 जून से। सुरेश कुमार। पति और पत्नी की मृत्यु 4 घंटे में हुई। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनू रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने घोषित किए हुए लॉकडाउन का क्रियान्वयन सोमवार से शुरू होगा। साथ ही यह बड़ा हुआ और सख्त लॉकडाउन 14 दिन तक चलेगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल नागरिकों द्वारा अनुभव किए गए सख्त नियमों को अब फिर से लागू करना होगा। राज्य में 24 अप्रैल से तालाबंदी की घोषणा की गई थी। उस समय निर्धारित नियमों के अनुसार नागरिक अपनी दैनिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अब यह संतोषजनक जारी है। इसे 10 मई को समाप्त होना था। शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन जारी होगा। रविवार को खानापुर मार्केट में भीड़। राज्य में सोमवार से लॉकडाउन जारी है। इस डर ने खानापुर में संडे मार्केट के लिए लोगों को एक भीड़ बना दिया। परिणाम स्वरूप खानापुर में बड़ी भीड़ देखी गई। खानापुर में कोरोना रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और भीड़ खतरनाक हो सकती है, लेकिन नागरिक इसे कैसे समझेंगे यह सवाल है। राज्य ने लॉकडाउन अवधि बढ़ा दी है। बाजार सुबह 6 से 10 बजे तक खुला रहता है। इसमें बाजार में प्रवेश करते समय मास्क और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की गई है, लेकिन खानापुर बाजार में कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तालुका प्रशासन इस पर कड़ी नजर रख रहा है, लेकिन भय का माहौल फैल गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर महामार्ग पर निर्बंध जारी। कर्नाटक राज्य में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया। इससे भी आगे जाते हुए कर्नाटक सरकार ने 10 से 24 मई तक एक सख्त लॉकडाउन करने का फैसला किया है। इस पृष्ठभूमि में महामार्ग पर वाहनों और यात्रियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र के यात्रियों को कर्नाटक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जब तक कि उनके पास RT-PCR परीक्षण नकारात्मक वाले पत्र नहीं थे। असुविधा ना हो इसलिए वाहन और ट्रेनों को आज से वापस भेजा जा रहा है। पुलिस आयुक्त की अपील। कर्नाटक राज्य में सोमवार से एक सख्त तालाबंदी की गई है। इसलिए सोमवार को सुबह 6 से 10 बजे तक दो पहिया या चार पहिया वाहनों को सब्जी और किराने का सामान बाजार में लाने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच अनियंत्रित पैदल यात्रियों के वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। लॉकडाउन के मद्देनज़र सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। तालाबंदी के दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा रहेगी। यदि आप तत्काल कारण के बिना घर छोड़ देते हैं तो आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने आदेश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान वाहनों को सड़क पर मुड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, केवल आवश्यक सेवाएं ही चलती रहेगी। पुलिस आयुक्त डॉक्टर त्यागराजन ने तालाबंदी का सख्ती से पालन करने की अपील की है। SSLC परीक्षा 21 जून से। इस साल की 10वीं की परीक्षा का आयोजन 21 जून से 5 जुलाई तक किया जाएगा, ऐसी जानकारी शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने दी है। 10वीं कक्षा के छात्रों का वर्ष यह महत्वपूर्ण है कि यह परीक्षा 15 जून को होने वाली थी। हालांकि कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण 10वीं परीक्षा स्थगित कर दी गई। 21 जून से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी, यह 5 जुलाई तक है, इसलिए छात्रों को अध्ययन शुरू करना चाहिए, ऐसी उन्होंने अपील भी की है। पिछले साल की 10वीं की परीक्षा देर से हो गई थी। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए इस वर्ष परीक्षाएं देना महत्वपूर्ण है। पति और पत्नी की मृत्यु 4 घंटे में हुई।
लायंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष हरीश शेट्टी और उनकी पत्नी सुजाता शेट्टी, इन दोनों का केवल 4 घंटे के अंदर से देहांत हो गया। शनिवार सुबह हरीश की मौत हो गई, उसके बाद सिर्फ 4 घंटे में उनकी पत्नी सुजाता इनका निधन हो गया। ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के कारण शहर में दुख व्यक्त किया जा रहा है। फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनू रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। अथर्व मेडिकल फाउंडेशन द्वारा ज़रूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही थी, हालांकि कुछ तकनीकी बाधाओं के कारण हम इस सेवा को तुरंत वापस ले रहे हैं, ऐसा सूचित किया गया है। अथर्व मेडिकल फाउंडेशन द्वारा ज़रूरतमंद लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर होना आपूर्ति की जा रही थी। नागरिकों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, हालांकि किसी कारण से आपूर्ति को निलंबित कर दिया गया है। नागरिकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा सचिव संतोष चांडक ने अपील किया है। फिर मिले 4 लाख से ज़्यादा संक्रमित। देश में एक बार फिर से पिछले 24 घंटों के दौरान मिले नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 4,03,738 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस बीमारी ने 4,092 बीमारियों की जान ले ली है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण को मात देने वालों की संख्या भी अच्छी रही है। 3,86,444 मरीज कोरोना संक्रमण से उभरने में सफल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,22,96,414 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इन लोगों में से 1,83,17,404 मरीज कोरोना संक्रमण को मात देने में सफल रहे हैं। बोरगांव में खदान में गिरने से युवक की मौत। बोरगांव तालुका निपानी में आज विश्वनाथ स्टोन क्रशर में एक खदान में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मयत अमोल श्री विश्वनाथ स्टोन क्रशर में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे थे। हमेशा की तरह खदान पर काम करते समय उन्होंने अचानक अपना संतुलन खो दिया और गहरी खदान में गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मयत अमोल यहाँ एक स्टोन क्रशर पर काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। घर की स्थिति बहुत खराब और दयनीय थी। उनकी मृत्यु से उनके परिवार को बहुत दुख पहुँचा है। अमोल की अचानक मृत्यु के कारण बोरगांव वाड़ी के साथ बोरगांव शहर में घटनास्थल पर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। डीसीपी ने की बड़ी कार्रवाई। बेलगाम में शनिवार को वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। चुनाव अवधि के दौरान डीसीपी डॉक्टर विक्रम अमटे और अन्य अधिकारियों ने शुक्रवार को कार्यभार संभाला और शनिवार को काम शुरू किया। डॉक्टर अमटे खुद सड़क पर रुक रहे थे और मोटर चालकों से जवाब मांग रहे थे। तस्वीर से प्रतीत होता है कि कोरोना नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बयाना में शुरू हुई थी। उन्होंने कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के लिए आवश्यक उपाय करने के भी निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राज्य में सख्त तालाबंदी की गई है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हैं, फिर भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर चल रहे हैं। बिना किसी कारण के बार बार सड़कों पर न चलने की चेतावनी के बावजूद इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। शनिवार की सुबह बाजार में चहल पहल थी, इसीलिए चनामा चौक में पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विक्रम अमटे ने ड्राइवर से पूछताछ की। बिना वजह भटकने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। शांताबाई कृष्णराव पाटिल का निधन। मूल रूप से पाटिल गली और अब हिंदवाड़ी की निवासी शांताबाई कृष्णराव पाटिल उम्र 80 का निधन शनिवार 8 तारीख को रात 10 बजे वृद्धावस्था के कारण हो गया। वह श्रीमाता सोसाइटी के संचालक आबा साहेब पाटिल की मां थी। उनके पीछे 2 बेटे, बहू, दामाद और पोते ऐसा परिवार है। शिवभक्त संघ कार्यकर्ता अर्जुनराव गोंडाड़ का निधन।
कंगराल गली बेलगाम के निवासी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वयोवृद्ध कार्यकर्ता अर्जुनराव गोंडाड़कर उम्र 85, इनकी रविवार सुबह 12:30 पर अल्प बीमारी से मृत्यु हो गई। उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों में सेवा की थी। वे शुद्ध लेखन पर ध्यान केंद्रित करते थे। उन्होंने शांतानुज नाम से कविता लिखी है। शहर के प्रमुख चौक का संभाजी चौक नामकरण के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। उन्होंने 1956 में संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के सत्याग्रह में भी भाग लिया था। उन्होंने विभिन्न गांवों में छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के जीवन पर व्याख्यान दिए थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।